सो फाइनली जुजुत्सु काइजन का नया चैप्टर रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ट्रस्ट में गाइस मैं अपकमिंग चैप्टर्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर मैं प्रीवियस चैप्टर की बात करूँ तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि सुकुना ने मेगुमी के बॉडी को टेक ओवर कर लिया था एंड ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि सुकुना ने पंच मारा था इतादोरी को जो दो बिल्डिंग तोड़कर कहीं दूर जाके गिरता है। एंड प्रीवियस चैप्टर में मैंने कहा था कि शायद से इतादोरी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है जिसके वजह से वो अब फाइट नहीं कर पाएगा, बट इस चैप्टर में कुछ और ही अपडेट्स हैं। और रही बात प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पैनल की, तो लास्ट पैनल हमने देखा था कि सुकुना एंजल को खाने ही वाला था एंड वहीं पर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड लेटेस्ट चैप्टर इस सेम सीन से ही स्टार्ट होता है जहां हम ये देखते हैं कि सुकुना हाना के विंग्स को खा लेता है और उसे बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देता है। सो प्रीवियस चैप्टर में मैंने कहा था कि शायद से हाना मर जाएगी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर उसकी इंपॉर्टेंस होगी। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम इतादोरी को देखते हैं जो हाना को देखता है बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतादोरी को देखकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं बिकॉज़ हम सभी ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि इतादोरी कितना ज्यादा इंजर्ड हो गया था एंड इस पैनल में इतादोरी को इतने जल्दी रिकवर होते हुए देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद से इतादोरी के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है एंड शायद से ये भी हो सकता है कि इतादोरी के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है बट उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि इतादोरी जंप करता है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की और जहां पर सुकुना है एंड हम इसी पैनल में बिल्डिंग को टूटते हुए देखते हैं जो ये दर्शाता है कि इतादोरी कितना स्ट्रांग है एंड इस चीज को देखकर सुकुना भी सरप्राइज हो जाता है। तो इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि इतादोरी और सुकुना की लड़ाई होती है एंड मीनवाइल सुकुना यही सोचता है कि इतादोरी इतना जल्दी स्ट्रांग कैसे हो गया एंड इस पैनल को देखकर मैं भी यही सोच रहा हूं कि इतादोरी इतना जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गया। बट एनीवेज इसी फाइट के दौरान सुकुना ये रियलाइज करता है कि इतादोरी केंजाकू का बेटा है एंड इस चीज से फाइनली हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि इतादोरी इज रिलेटेड टू केंजाकू और ये बात हमें मांगा में पता ही चल गई थी बट अब ये पैनल कंफर्म कर देता है। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल यूजी गुस्से से सुकुना को बोलता है, तुम नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं रह सकते हो, तुम लोगों को सिर्फ तकलीफ क्यों देते हो। सो जब यूजी ये सब बातें कह रहा था तब सुकुना कटिंग एंड डिसमेंटलिंग वाला कर्स टेक्निक भी यूज करता है बट हम पैनल में ये देखते हैं कि यूजी को ज्यादा कुछ हुआ नहीं इस अटैक से, मतलब उसे बस खरोचे ही आई है एंड ये चीज देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया हूं बिकॉज हमने सुवा इंसिडेंट आर्क में देखा था कि सुकुना के कटिंग एंड डिसमेंटलिंग ने कितना तबाही मचा दिया था, मतलब कितने लोगों को मार दिया था, लेकिन इस पैनल में इतादोरी को ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल सुकुना इतादोरी के बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है, सही सवाल तो तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम इंसान इतने कमजोर कैसे हो, तुम इंसान इतने कमजोर होने के बावजूद भी खुशियों की उम्मीद क्यों करते हो, तुम लोगों का इस तरह से सफर करना नेचुरल है, तुम लोग बने ही हो मरने के लिए। तो सुकुना की ये बात सुनकर ऑब्वियसली बात है कि इतादोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में सुकुना की ओर बढ़ता है एंड तभी सुकुना कटिंग एंड डिसमेंटलिंग कर्स टेक्निक दोबारा यूज करता है बट इतादोरी को ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है सुकुना के इस अटैक से और ये चीज देखकर सुकुना काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। एंड इसके बाद इन लास्ट पैनल हम ये देखते हैं कि फाइनली इतादोरी सुकुना को एक पंच मारने में सक्सेसफुल हो जाता है एंड इसी लास्ट पैनल में सुकुना ये भी रियलाइज करता है कि उसका कर्स एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस लास्ट पैनल को पढ़ के मजा ही आ गया एंड इस पैनल के थ्रू हमें ये भी पता चला कि मेगुमी अभी भी है सुकुना के अंदर जो इंटरनली सुकुना से लड़ रहा होगा एंड ट्रस्ट मी अब मैं आने वाले चैप्टर्स के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो ये चैप्टर काफी ज्यादा बढ़िया चैप्टर था एंड टू बी ऑनेस्ट जुजुत्सु काइजन की मांगा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनगोइंग मांगा। एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एंड थोड़ा बहुत समझने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि केंजाकू इज रिलेटेड टू इतादोरी और साथ ही इतादोरी के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है बट शायद से उसे इस टेक्निक के बारे में नहीं पता एंड मेगुमी भी सुकुना से इंटरनली लड़ रहा है तो शायद से क्या पता आने वाले चैप्टर्स में हमें मेगुमी का भी पार्ट देखने को मिले एंड आने वाले चैप्टर्स में पता नहीं क्या देखने को मिलेगा लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले चैप्टर्स के लिए। सो इसके अलावा अगर आपने मेरा प्रीवियस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू वीडियो मिस कर दिया तो जल्दी से ये वाला वीडियो देख लेना एंड अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे इंस्टा ट्विटर पर फॉलो कर लेना, मैं आपको लिंक वगैरह नहीं दूंगा, आप खुद ही जाकर ढूंढ लेना मुझे। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।